टॉपिक का नाम है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी में क्योंकि मोशन कितने टाइप की है, अब आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, क्या आपका क्वेश्चन प्योर ट्रांसलेशन मोशन पे है? प्योर ट्रांसलेशन का मतलब घूमना कुछ नहीं है, बस सीधा ही चलना है, ट्रांसलेट करना है। तो क्या आपका क्वेश्चन प्योर ट्रांसलेशन पे है या आपका क्वेश्चन प्योर रोटेशन पे है? प्योर रोटेशन का मतलब खड़ी खड़ी बॉडी का घूमना, या फिर रोलिंग पे है? रोलिंग का मतलब आगे भी चलना, ट्रांसलेट भी करना और रोटेट भी करना। तो एनर्जी भी यहाँ पर तीन तरीके से यूज होगी। अगर मैं बोलता हूँ प्योर ट्रांसलेशन, फिर प्योर ट्रांसलेशन में कुछ करना ही नहीं है, आपकी इक्वेशन किस पे लगेगी? सेंटर ऑफ मास पे, क्योंकि रोलिंग में प्योर ट्रांसलेट करता कौन है? सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास की अगर वेलोसिटी वी सेंटर ऑफ मास है, तो प्योर ट्रांसलेशन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ एम वी स्क्वायर, डन। तो ट्रांसलेशन एनर्जी तो हमें पता लग गई क्या है। नेक्स्ट है प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन का मतलब होता है बॉडी का खड़ी खड़ी घूमना। अगर बॉडी खड़ी खड़ी घूमती है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है? रोटेशनल एनर्जी है, प्योर रोटेशनल एनर्जी है, घूमने की एनर्जी है, क्योंकि पार्टिकल घूम रहे हैं। तो इसका एक तरीका है कि क्या होगा फॉर्मूला, एक सिंपल तरीका ये कि लीनियर मोशन में जो काम मास करता था, मास को क्या बोलते थे? इनर्शिया। रोटेशनल मोशन में वो काम कौन यूज करेगा, क्या क्या यूज करेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फोर्स की जगह मोमेंट ऑफ फोर्स, इनर्शिया की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जो काम लीनियर ट्रांसलेशन मोशन में मास करता था, वो काम इसमें आई करेगा, क्योंकि ट्रांसलेशन मोशन में सिर्फ मास लेना होता है, रोटेशनल मोशन में मास एंड शेप दोनों लेनी होती है, और दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो काम ट्रांसलेशन में वी करता था, वो काम इसमें कौन करेगा? ओमेगा। तो बन गया, अगर कोई बॉडी खड़ी खड़ी घूम रही है तो प्योर रोटेशन में एनर्जी क्या होगी? हाफ आए ओमेगा। सर अगर डिस्क घूम रही है खड़ी खड़ी, तो आई का फॉर्मूला हाफ एम आर स्क्वायर, स्फीयर घूम रहा है 2/5 mr2। और अगर कोई बॉडी रोल कर रही है, रोल करने का मतलब सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेशन मोशन में है और बाकी पार्टिकल घूम रहे हैं, तो फिर टोटल एनर्जी क्या होगी? सम ऑफ रोटेशन, सम ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। क्योंकि क्या सिखाया था? रोलिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन, क्योंकि सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट कर रहा होगा और बाकी पार्टिकल रोटेट कर रहे होंगे। तो टोटल एनर्जी क्या होगी? हाफ एम वी स्क्वायर और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर का सम होगा।